गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कैरेक्टर स्ट्रिंग्स इन सी। सी के अंदर हमारे कैरेक्टर स्ट्रिंग्स कैसी होती है, हमारे चैप्टर टू के अंदर कैरेक्टर स्ट्रिंग्स के अंदर हमारे स्ट्रिंग्स स्ट्रिंग्स क्या होती है, हमारे ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स मतलब एक वर्ड या फिर सेंटेंस हम उसको कह सकते हैं, वर्ड्स में लिखेंगे तो हम लिखते हैं और सेंटेंस में लिखते हैं स्पेस देखिए करते हैं। जैसे हम इसको इनिशियलाइज करेंगे, वैसे तो ये वन डायमेंशनल कैरेक्टर स्ट्रिंग होती है और इसमें स्ट्रिंग्स की जो टोटल एलिमेंट्स होते हैं उसे वन प्लस करके इसे एक इंडेक्स किया जाता है, क्योंकि इसके लास्ट में क्या है नल नल पॉइंट मतलब जीरो पॉइंट आना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या होता है दो तरीके की इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं हम, जैसे कैरेक्टर ग्रीटिंग सिक्स हेलो की स्पेलिंग अलग अलग इनवर्टेड कॉमास में और कॉमा तक करके और नेक्स्ट लास्ट में आपके है स्लैश जीरो। ठीक है, इस तरह से हम सेकंड वाला भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। इस तरह से कैरेक्टर ग्रीटिंग इसमें आपको अभी नंबर ऑफ एलिमेंट्स शो डिग्री ना बटन इसमें आप डायरेक्ट हेलो लिखिए और कंप्यूटर आप अपने आप ही ये आपका स्ट्रिंग लेने के बाद अपने आप ही आपको जीरो ले लेता है। ठीक है, इसमें एक इंडेक्स है, वैल्यू का नाम दे रखा है, कैसे स्टोर होता है, एड्रेस किस तरह से होता है, ये आपके नाइकाउंटिंग को समझा रखा है आपकी बुक में। आपके बुक में एक छोटा सा प्रोग्राम दे रखा है जो मैं यहाँ बता रही हूँ आपको क्या है। फर्स्ट आपके अगर प्रोग्राम स्टार्ट हमें इंक्लूड stdio.h क्योंकि हम स्टूडियो लेते हैं, क्योंकि हमें प्रिंट करवाना है कुछ वैल्यूज, एक मेन फंक्शन दिया, मेन फंक्शन देने के बाद मेन फंक्शन स्टार्ट करके कैरेक्टर दी गई, कैरेक्टर मतलब हमारा एक डाटा टाइप ले लिया, कैरेक्टर डाटा टाइप है, ग्रीटिंग मैंने एक नाम लिया है उसका। ठीक है, एरे का नाम है सिक्स, में वैल्यू दे रखी है सिक्स में वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव का आपकी हेलो की स्पेलिंग है, लास्ट एलिमेंट के हमारे पास जीरो है। ठीक है, सर जीरो प्रिंटर प्रिंटर हमारा प्रिंट कराने के लिए ग्रीटिंग मैसेज आपकी एस आपके लिए क्या लिखिए स्लैश एस आपके स्टूडेंट के लिए यूज होता है और आपके लिए ग्रीटिंग चाहिए रिटर्न आपके जीरो, तो हमारे पास इसमें आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आएगा ग्रीटिंग मैसेज, ग्रीटिंग मैसेज और आपने क्या उसको पास किया है यहाँ पर ग्रीटिंग के लिए देते हैं तो यहाँ पर आएगा आपका हेलो। ठीक है, तो ये मैसेज इस तरह से प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे कैरेक्टर्स को लेके कुछ फंक्शंस है जो हम यूज करते हैं कैरेक्टर स्ट्रिंग्स के अंदर। एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आपका डिक्शनरी होता है सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे स्ट्रिंग कंपेयर के,
होता है, दोनों इक्वल हो जाती है, तो वो क्या नाम है रिटर्न करता है जीरो। जीरो रिटर्न करना मतलब होता है कि स्ट्रीम दोनों सेम है। अगर हमारा एस वन इज लेस देन इक्वल्स लेस देन होता है तो हमारा रिटर्न क्या करता है, हमारा नेगेटिव नंबर। अगर एच की बड़ी है, एच की अगर हमारे पास इसका रिटर्न इक्वल एच छोटा है और जे बड़ा है तब तो हमें वो रिटर्न क्या आएगा कि एक नेगेटिव नंबर। जीरो से नीचे वाले जो नंबर होते हैं वो आपके नेगेटिव होते हैं, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, तो आपके नेगेटिव नंबर शो करेगा। और वैसे ही अगर आपका एस वन ग्रेटर है तो क्या है वो पॉजिटिव होगा। अगर मैं कहूँ कि एक स्ट्रिंग है एस वन जिसमें मेरे लिखा हुआ है कोई नाम लिखा हुआ है, आशीष है, एस टू है, अनु, तो पहले कंपेयर कैसे करेगा आप, कंपेयर करेगा पहले तो वो फर्स्ट कैरेक्टर को कंपेयर करेगा तो दोनों सेम है, ठीक है। फिर नेक्स्ट कैरेक्टर को कंपेयर करेगा तो क्या है ये एस वाला एस वन छोटा है और एस टू बड़ा होगा, इसमें कोई ना कोई आपकी इंटीजर है तो वो कंपेयर करके बताता है। तो हमें अगर छोटा है तो माइनस में रिटर्न करेगा मतलब हमें पीछे की तरफ चलना है, और अगर हमें प्लस में होता है तो वो आगे की तरफ चल रहा है। अगर हमें कोई भी अगर डिक्शनरी में ढूंढना हो तो किस तरह से ढूंढते हैं, हम अल्फाबेटिकली ढूंढते हैं, वो कंपेयर करके लिस्ट लिखी हुई होती है तो हमें ये यूज करना होता है उसके अंदर। अब हमारे अगर नया नेक्स्ट है फिफ्थ वाला एस टी आर सी एच आर। एस टी आर सी एच आर मतलब कैरेक्टर का है, तो इसमें एस वन एक स्ट्रिंग है, सी एच कैरेक्टर है, इसमें क्या है एस वन पॉइंट करता है कैरेक्टर के फर्स्ट जो होता है एलिमेंट उसके एड्रेस को पॉइंट करता है, ठीक है। इसी तरह ये दोनों सेम है, वैसे इसमें कैरेक्टर होता है, इसमें कोई स्ट्रिंग होती है, इसमें एस टी आर बहुत है, तो स्ट्रिंग एस वन एस टू में स्ट्रिंग इसमें क्या कैरेक्टर था, एस वन एस टू दोनों स्ट्रिंग है, तो इसमें क्या होता है आपकी जो स्ट्रिंग एस टू है उसका फर्स्ट एड्रेस होता है उस वो पॉइंट करता है एस वन के अंदर, एस वन पॉइंट करता है एस टू के अरे के फर्स्ट जो आपकी उसको पॉइंट करता है एड्रेस को। ये आपकी कुछ फंक्शन है, छह फंक्शन है स्ट्रिंग को लेकर, और आपके प्रोग्राम है। नेक्स्ट प्रोग्राम हम देख लेते हैं थोड़ा, हमारे पास है इंक्लूड stdio डॉट h, मैंने एक इंक्लूड करा हमारे एडर फाइल को stdio वाली जिसको हम प्रिंटर में यूज ले रहे हैं। stdio इंक्लूड हमारे पास स्ट्रिंग वाली, क्योंकि मैंने स्ट्रिंग से चीजें ले रखी है इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा स्ट्रिंग को यूज करना पड़ेगा, तो स्ट्रिंग मैंने एडर फाइल ले ली है हमारे पास। फिर इसका हमारा मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन के अंदर आएंगे कैरेक्टर, मैंने कैरेक्टर लिए स्ट्रिंग वन स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग थ्री, तीन स्ट्रिंग ले रही है। स्ट्रिंग वन में मैंने पास कर दिया आपके हेलो, और स्ट्रिंग टू के अंदर हमने लिखा है पर्ड, ठीक है। स्ट्रिंग थ्री को मैंने अभी उसमें कोई एलिमेंट नहीं दे रखा, मतलब उसको सिर्फ इनिशियलाइज करा है, कुछ डिक्लेयर नहीं किया है। इंटीजर लेंथ हमारे पास क्या है, एक बार इंटीजर दिया तो उसकी लेंथ को फाइंड आउट करेगा इंटीजर, मतलब हमारे पास नंबर होगा इसमें आप एस टी आर सी पी वाई, तो हमारा ये जो फंक्शन था ना एस टी आर सी पी वाई एस वन एस टू, तो मैंने क्या किया है हमारे जो भी एस वन की है इसमें क्या होता है जो लास्ट वाली होती है वो फर्स्ट वाली भी कॉपी होती है, ऐसा बताया था। तो एस टी आर वन में हमारे पास क्या है, एस टी आर वन में हमारे पास हेलो है, हेलो लिखा हुआ है, तो हेलो लिखने वाली जो चीज है हमारे पास कहाँ आती है फर्स्ट वाली में आती है, तो ये कहाँ आ जाएगी एस टी आर थ्री में आ जाएगी, तो हमें प्रिंट क्या करवाना है एस टी आर सी पी वाई एस टी आर थ्री एस टी वन आ जाएगा, और ये जो चीज है एस टी आर थ्री इसकी वैल्यू आ जाएगी, तो एस टी आर वन में हमारे पास क्या लिखा था, तो आउटपुट क्या आएगा इसका, क्या है हमारे पास हेलो है, ठीक है। तो इसमें हेलो लिखा हुआ आएगा, ये फर्स्ट फंक्शन जो एग्जीक्यूट हो जाता है तब की बात है। नेक्स्ट हमारा एक फंक्शन इसी में यूज कर लिया मैंने एस टी आर सी ए टी, ये हमारे पास है कैट, कैट हमारे पास क्या था ज्वाइन करने के लिए, ठीक है, ज्वाइन करने के लिए था, तो फंक्शन को हमें ज्वाइन करना है, ठीक है। ये ज्वाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट और सेकंड को ज्वाइन करना पड़ेगा, तो क्या आएगा हमारे पास प्रिंट आउट क्या आएगा, तो एस टी आर वन एस टी आर टू हमारे पास वो ज्वाइन कर दिया तो दोनों की वैल्यू एक साथ आ जाएगी, हेलो वर्ल्ड आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्या है दोनों एक साथ ज्वाइन हो गए, और ये जो ज्वाइन होने के बाद ये फर्स्ट वाले के अंदर ही आता है, इसलिए फर्स्ट वाला एस टी आर वन ही यूज किया है। नेक्स्ट है हमारे पास
वन है, तो स्ट्रिंग वन की हमारे पास लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है कितनी है, तो हमें ये वाले की फाइंड करनी है। यहाँ पर लेंथ को हमने डिक्लेयर किया था इंटीजर वैल्यू, तो इंटीजर वैल्यू को आपको शो करेगा, तो उसमें क्या आएगा एस टी आर वन, तो स्ट्रिंग की वो वैल्यू कहाँ दे रहा है उसको, आपको 10 दे रहा है, ठीक है, एस टी आर वैल्यू की वो 10 दे रहा है। ये एक इंटीजर टाइप है, ये दोनों स्ट्रिंग टाइप है, ठीक है। ये प्रोग्राम हो गया, नेक्स्ट टॉपिक अलग, नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टैटिक मेमोरी लोकेशन और डायनामिक मेमोरी लोकेशन। दो तरीके की लोकेशन होती है हमारे, किसी भी चीज को हम इनिशियलाइज करते हैं, डिक्लेयर करते हैं उसकी, उसकी हमें स्पेस चाहिए होती है, तो किस तरीके से होती है, दो तरीके से होती है, स्टैटिक और डायनामिक। इनमें डिफरेंस है, और डायनामिक मेमोरी में क्या होता है कि हम जो भी इनिशियलाइज करते हैं वो रियल टाइम में भी कर सकते हैं। इसमें क्या है, जैसे मैंने एक प्रोग्राम बना लिया, मेरा डायनामिक मेमोरी और स्टैटिक मेमोरी को पढ़ लेते हैं। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन में क्या होता है, ये क्या है, बिफोर रन टाइम, हमें रन टाइम से पहले आपको एलोकेट होता है, और इसमें क्या होता है कि आप इसको बाद में चेंज कर सकते हैं, इसमें वेरिएबल में जो आपको डालना है, आपके जो एलिमेंट्स आते हैं उनको आप रन टाइम के बाद चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर ये होता है कि आपकी जो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन होती है वो क्या होती है, आपकी हीप में होती है, और ये स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन होती है आपके एक डाटा सेगमेंट के अंदर, आपके जितनी भी स्टोरेज होती है वो वहां पर होती है, ठीक है। इसमें एक और डिफरेंस ये है कि यहाँ पर क्या होता है, हमारे को अपने आप की शो करवाता है कि कितना चाहिए हमें, और यहाँ हमें वो देता है, हम जितना चाहते हैं उसको मल्टीप्लाई करके वो खुद देख सकता है, ठीक है। एक प्रोग्राम लिखा है मैंने यहाँ पर आपके लिए, स्टैटिक मेमोरी और डायनेमिक मेमोरी, ये प्रोग्राम आपके बुक में भी है, बुक वाली एग्जाम्पल ले रही हूँ। हमारे पास इंक्लूड मैंने कराया है, एक तो स्टैंडर्ड फाइल है और एक आपकी लाइब्रेरी वाली फाइल है, ठीक है। लाइब्रेरी फाइल बड़ी यूज करिए एक, ठीक है। यहाँ पे मेन फंक्शन यूज किया, मेन फंक्शन यूज करने के बाद मैंने क्या है यहाँ पर एक एरे को इनिशियलाइज किया है जो कि एक डेटा टाइप में है, उसमें मैंने स्टार्ट किया है आपके फॉर लूप स्टार्ट किया है, फॉर लूप में जे लिया, जे को मैंने यहाँ ना इनिशियलाइज करके मैंने क्या किया, यहाँ इनिशियलाइज किया है। हमारा स्टैटिक में पढ़ रहे हैं, हम इसे बिफोर रन टाइम भी कर सकते हैं, बाद में भी उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं, हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो मैंने क्या इंटीजर यहाँ ले लिया है, यहाँ एक को इनिशियलाइज करने से नहीं, तो जे ही हमने स्टार्टिंग करा है, जे जीरो से लेके जे लेस देन फाइव प्लस में आएगा, इंक्रीमेंट आ जाएगी। इसमें आपको वो पांच बार आपको स्टैटिक एरे है, आपको फाइव आपके एलिमेंट्स मांगे, और आप फाइव एलिमेंट्स जो भी एंटर करेंगे जैसे 1 2 3 4 5 ये आपके इंडेक्स में स्टोर हो जाएगा, और आपको उसकी वैल्यू देगा, ठीक है। ये स्कैनर आपके स्कैनर से आपके जितने भी एलिमेंट्स है वो आपको स्टोर करेगा, फिर आपको से क्या मैंने स्टैटिक एलिमेंट्स लिया, तो वापस एक और आपका एक और एरे चलाया है जो लूप चलाया है इंटीजर डे टाइप, वापस से आपको पूछेगा और एरे के अंदर वो डालेगा, ठीक है। ये तो हो गया हमारा स्टैटिक के अंदर की आपको पूछता है, और हमारा जब यहाँ से डायनामिक मेमोरी स्टार्ट होता है, तो डायनामिक मेमोरी में मैंने क्या किया है, डायनामिक मेमोरी में क्या है कि हमारा मैंने पॉइंटर लिया है, एरे क्या है एक पॉइंटर टाइप दिया है, पॉइंटर का आपको ये साइन है, पॉइंटर टाइप दिया मैंने, ठीक है। मैंने इसमें इंटीजर एन और आई पहले रन टाइम से पहले इनिशियलाइज कर दिया है, प्रिंट टाइप में लिखे डायनामिक मेमोरी लोकेशन ये सब लिखवाया है, ताकि प्रोग्राम को पता पड़े कि यहाँ से मैंने स्टार्ट किया है। फिर क्या है हमारे पास प्रिंट टाइप और स्कैन है, जैसे हमने एंटर करवाना चाहते हैं, इसमें एक फंक्शन दिया है मैंने यहाँ पर एरे इज इक्वल्स टू इंट स्टार मैलॉक एन साइज ऑफ इंट, इस तरह से लिया है। तो हमारे पास क्या है एरे एलिमेंट है हमारे पास, वैसे इक्वल्स टू इंट को मैंने क्या है फिर उसको पॉइंटर मैलॉक दिया है, मैलॉक में आपको पता है जो भी हमारे मेमोरी एलोकेशन होता है वो क्या है हीप में से ले रहा है, ये शो करवाता है कि हमें कितनी स्पेस चाहिए होती, आपने जो नंबर एंटर किया है या जैसे एंटर किया आपने 5 एंटर किया एंड आपने 5 एंटर किया तो आपको कितनी मेमोरी चाहिए उसको वो कैसे निकालेगा, मल्टीप्लाई करेगा साइज ऑफ इंटीजर, इंटीजर का साइज आपको पता है तो आपको इतना आपको मेमोरी एलोकेट करेगा, इतना मेमोरी एलोकेट करने के बाद आपको जितनी भी मेमोरी में आपको जो डालना है वो इस वाली मेमोरी में आएगा, वो हीप में स्टोर होता है, ठीक है। आपके हीप होता है, एक स्टैक होता है, आपके सेगमेंट्स होते हैं जिसमें कोड सेगमेंट होता है, ये जो एलोकेशन होता है ये क्या हीप में होता है, आपको उसी टाइम एलोकेट करता है मेमोरी ताकि आप उसको यूज कर सके। तो मैंने क्या है प्रिंटर और स्कैनर से अपने 5 एलिमेंट को स्टोर करवाया, इंक्रीमेंट डाला और वो आपके शो होता है, ठीक है, आपको स्क्रीन के ऊपर जितने भी आपने डाला है।
साइज लिख दिया, उसका साइज कितना आ गया। साइज लिखने के लिए वो साइज बताता है आपको। सिस्टम पॉज, एक ये नया है जो सिस्टम पॉज, सिस्टम पॉज इसलिए लिखते हैं हम ताकि हमारा जो भी इतना होने के बाद वो सिस्टम थोड़ा होल्ड पे रखे आपके जो भी आउटपुट आए हैं। और जब भी आप अपने कीबोर्ड से कोई भी की प्रेस करते हैं तो वो आपको अपने प्रोग्राम से एग्जिट करवाता है। रिटर्न हमारा जीरो है और ये हमारा प्रोग्राम फिनिश हो गया। स्टैक हमारा सॉरी डायनेमिक एलोकेशन होता है, हीप में होता है और स्टैटिक होता है वो सेगमेंट कोड के अंदर आपके स्टोर करके लगता है। इसको आपको फिर मैलॉक, रिलॉक और कैलॉक या फिर नेक्स्ट टॉपिक में सोचा। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शंस ऑफ मेमोरी एलोकेशन। अब हमारे फंक्शंस है जो हमें मेमोरी एलोकेशन के बारे में बताना है। फर्स्ट है हमारे पास वॉइड पॉइंटर है कैलॉग, इंटीजर नाम कॉमा आपके इंटीजर साइज, आपके इंटीजर नंबर है और इंटीजर साइज। इसमें क्या होता है कि जो साइज होती है वो हमेशा कैलॉग फाइंड करता है कि जो भी आपकी एलोकेशन होगी वो इंटीजर साइज की होगी और ये आपको कैलकुलेट करके फिर नंबर आपने जो नंबर डाला है और जो हमारे इंटीजर साइज दोनों को मल्टीप्लाई करके वो आपको साइज एलोकेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फंक्शन है वॉइड फ्री। वॉइड फ्री का मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो भी हमें मेमोरी एलोकेट हुई है वो एलोकेट वाले को एड्रेस, जहां से एड्रेस हो देता है वहां से मेमोरीज को जितनी भी हमने एलोकेट करवाई थी वो सब चीजें क्या वो फ्री करवाता है। वॉइड फ्री वॉइड मैलॉक में क्या होता है कि इसके अंदर इंटीजर नाम आपको नंबर दिया जाता है और आपको खुद को ही मैलॉक में क्या होता है खुद को ही बताना पड़ता है कि आपको कितनी स्पेस की जरूरत होती है और कैलॉग को क्या खुद कैलकुलेट कर देता है नंबर और साइज से। ये आपके इंटीजर में भी हो सकता है और क्या है आपके इनिशियलाइज होती है, अनइनिशियलाइज होती है, वॉइड होती है। नेक्स्ट है वॉइड रिकॉल। रिकॉल में क्या होता है वॉइड का एक एड्रेस होता है और इसमें न्यू साइज टाइप होती है, इसमें दोबारा मेमोरी एलोकेशन में काम आता है मतलब रीएलोकेशन होता है। इसमें तो आपने एलोकेट करवाया कैलॉग में मैलॉग में, ये आपने फ्री करवाते फ्री करवाने के बाद में वापस से आपको कोई मेमोरी एलोकेशन के लिए जरूरी होती है वापस आपको मेमोरी में आपको कुछ और स्टोर करवाना है तो वो रीएलोकेट होता है। ठीक है, एक प्रोग्राम है इसी के अंदर एसटीडी इंक्लूड एसटीडी आई हम फिर स्टार्ट किया। लाइब्रेरी फाइल वही हमारे पास एक स्ट्रिंग हेडर फाइल लेनी है। ठीक है, इसमें एक इंटीजर मेन फंक्शन यूज किया, एक कैरेक्टर नाम का एक एरे लिया जो कि 100 उसकी साइज है। ठीक है, कैरेक्टर हमारे पास डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन का क्या है एक पॉइंटर डिस्क्रिप्शन दिया है। एसटीआर सीपी फाइल मतलब हमने स्ट्रिंग को कॉपी करी है। ज्यादा अली मतलब क्या है हमारे पास ये S1 S2 हो गया S1 S2 तो ये S1 के अंदर कॉपी हो जाएगा। तो क्या ज्यादा लिखा है किसमें आ जाएगा नेम के अंदर आ जाएगा। फिर लिखा है डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन इज इक्वल्स टू मैलॉक, मैलॉक हमारा यूज करते हैं मेमोरी लोकेशन के लिए। 200 × साइज ऑफ कैरेक्टर वाला हमें कितना क्या कैरेक्टर का साइज चाहिए इंटीजर का नहीं कैरेक्टर का होता है तो 200 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर इफ अब क्या है वो डिस्क्रिप्शन में कोई ना कोई वैल्यू आ गई है हमारे पास, अगर डिस्क्रिप्शन इज इक्वल्स टू इक्वल्स टू नल है मतलब हमारे पास कोई वो बताता है कि आपके लिए कोई मेमोरी एलोकेशन के लिए स्पेस खाली नहीं है तो वो क्या प्रिंट करवाएगा एरर अनेबल टू एलोकेट रिक्वायर्ड मेमोरी। आपको जितनी मेमोरी की जरूरत है वो क्या है एलोकेट नहीं हो सकती है वो आपको इस तरह से बताएगा। अगर ऐसा नहीं है अगर वो नल नहीं देता है एरर्स में बताएंगे एरर्स में क्या होगा एसटीआर सीपी फाइल कॉपी करेगा, कॉपी करेगा डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में क्या कॉपी करेगा ये हमारे वही वाली बात एसटीआर एसटीवन S1 S2 वाली बात है। तो ये S2 क्या किसमें कॉपी हो जाएगा S1 में कॉपी हो जाएगा। ठीक है, फिर हमें प्रिंट करवाना है प्रिंट है नेम इज इक्वल्स टू पर्सन टाइप एस मतलब हमारा स्ट्रिंग जो है स्ट्रिंग सेशन स्लैश है तो हम यूज करते हैं नेक्स्ट टाइम के लिए। नेम हमारे पास नेम नेम में हमारे क्या पास हो रखा था नेम में हमारा था या ज़ारा अली तो हमारे पास लिखा क्या आएगा आउटपुट भी क्या आएगा हमारे पास नेम इज इक्वल्स टू ज़ारा अली। फिर नेक्स्ट प्रिंट हमारे को क्या करके आएगा डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में उसमें क्या लिखा हुआ आएगा डिस्क्रिप्शन में क्या हमारे पास डिस्क्रिप्शन यहाँ से कॉपी हुआ तो ये पूरा आएगा ज़ारा अली और DPS स्टूडेंट क्लास 10। ये सब कुछ आपके इस तरह से काम है ये आपका आउटपुट आ जाएगा। जिस तरह से हमने मैलॉक यूज किया है वैसे कैलॉग से भी यही फंक्शन को
मतलब प्रोग्राम कर सकते हैं, वो प्रोग्राम आप खुद देखिए घर पे। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पॉइंटर, ठीक है। तो पॉइंटर के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंटर। पॉइंटर क्या होता है? पॉइंटर सीधी सिंपल सी बात है कि अगर हमने कोई फंक्शन हमने लिया है, तो हमारे पास पहले क्या करते थे, डेटा टाइप बताते थे। डेटा टाइप पे जो भी हमारी वैल्यू होती थी, टू जैसे हमारा वैल्यू होता, हमें टू की वैल्यू को हमें बताना था। पर अब हमें क्या होता है, पॉइंटर होता है कि इसमें क्या, इसका जो एड्रेस है, अब कुछ भी मान लीजिए जी, अगर आपका कोई पॉइंटर का एड्रेस है, उस एड्रेस को पॉइंट करता है वो, ये आपका एड्रेस होता है, उस एड्रेस को पॉइंट करता है, उस एड्रेस में जो भी होता है आपका वेरिएबल को एक्सेस कर देते हैं, ठीक है। इस तरह से शो होता है आपके, इसको दो तरीके से हो सकता है, कोई टाइप मतलब स्टार्टिंग तरीके कैसे किस तरह से हो सकता है, तो इनिशियलाइज का होता है, क्या होता है टाइप, आपके जो डेटा टाइप होता है, पॉइंट पॉइंट का साइन होता है, इनटू का जो साइन होता है वो आपके पॉइंट का साइन है, वेरिएबल का नाम, आप जो भी वेरिएबल देंगे जीरो शो करेगा। अब हम उसको चेक कैसे करते हैं कि उसमें
स्टेटमेंट जब चेक करने के लिए होता है, इफ पीटीआर, अगर हमारे पास पीटीआर है तो ये तब होगा जब ये आपके सक्सेस नहीं होगा, तब पीटीआर में जीरो नहीं, नल नहीं है, तब ये क्या होगा, सक्सेस नहीं, नॉट नॉट नल, इसलिए क्या होगा, इफ पीटीआर इज नॉट, अगर जो पीटीआर में नल नहीं है तब होगा, और ये जब पीटीआर में नल है तब ये एक्सेस होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रिकर्शन। रिकर्शन क्या है? रिकर्शन एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें एक फंक्शन खुद को वापस बार बार उसी प्रोग्राम में कॉल करता है। इसमें कि आपने फंक्शन बनाया, उस फंक्शन के अंदर दोबारा उसे कॉल करना, जैसे अगर लूप लगाते हैं, लूप के अंदर इसमें भी एक ये होता है कि इसमें टर्मिनेट कंडीशन होनी चाहिए। अगर आपने टर्मिनेट कंडीशन हम से नहीं लगाई तो वो लूप इनफाइनाइट लूप चलता रहेगा और आपका प्रोग्राम खत्म नहीं होगा, वो वापस वापस अपने आपको कॉल करता रहेगा। जैसे मैंने एक फंक्शन दिया, आपको मेन फंक्शन दिया, वॉइड फंक्शन दिया, आपको रिकर्स किया, फंक्शन का नाम दिया, इसी फंक्शन के अंदर क्या है, रिकर्स वापस से कॉल कर दिया मैंने, तो क्या मुझे रिकर्स वापस से इधर चला जाएगा, फिर वापस कॉल करेगा, फिर वापस कॉल करेगा खुद को ही। इसमें क्या टर्मिनेशन कंडीशन होना जरूरी है। अगर वैसे इंटीजर मेन फंक्शन में रिकर्स करो तो वापस हो गया, वापस उधर वर्ड डाल जाएगा, फिर वापस इसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर वापस उसको एग्जीक्यूट करेगा, ऐसे तो इनफाइनाइट लूप तक चलता रहता है जब तक आप उसको कॉल करते रहते हैं। इसमें मेन इंपॉर्टेंट है कि आपकी टर्मिनेट कंडीशन होनी चाहिए, और जैसे जैसे हम अपने आपको खुद को कॉल करता रहता है, खुद को चेक करता रहता है, वैसे वैसे हमारी टर्मिनेशन कंडीशन है इसके वो पास आता रहना चाहिए। इसमें रिकर्शन में इतना ही होता है। इसके दो तीन एग्जाम्पल है, रिकर्शन पढ़ लिया था हमने। रिकर्शन में एक फंक्शन अपने आप को बार बार कॉल करता है, तो जो रिकर्शन होता है हम कॉल लूप कहते हैं, वैसे रिकर्शन भी लूप जैसा ही मान लीजिए। इसके तीन ऐसे उदाहरण है जो हम मोस्टली यूज करते हैं, जैसे कि फैमिली से सीरीज होती है। फैमिली से सीरीज आपको ऐसे तो ज्यादा पता होगा कि क्या होता है फैमिली से सीरीज, पर मैं फिर भी बता देती हूँ कि आपके क्या होता है। इसमें फैमिली से सीरीज के अंदर जो पहले दो टर्म्स होते हैं उन दोनों को ज्वाइन करके थर्ड टर्म बनती है, मतलब जीरो, जैसे जीरो से स्टार्ट करते हैं, जीरो आपकी फर्स्ट टर्म होती है, फिर सेकंड टर्म आपकी वन होती है, वन प्लस जीरो कितना हो गया, वन हो गया, फिर थर्ड टर्म, फिर क्या होता है थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म के लिए क्या होता है, ये दोनों प्लस किया तो वन प्लस वन टू, फिर टू प्लस वन थ्री, फिर थ्री टू प्लस थ्री फाइव, थ्री प्लस फाइव एट, फाइव प्लस एट थर्टीन, ऐसे पूरी सीरीज चलती है। तो हम इसको ऐसे सीरीज बनाने के लिए क्या होता है कि हमारे एंड टर्म लेनी होती है, कहाँ तक वो चलेगी, ये चलती तो रहती है, पर हमें क्या इनफाइनाइट को टर्मिनेशन का वो देना पड़ता है कि हमें कहाँ तक हमारे फैमिली से सीरीज को निकालना है, ठीक है। अब इसका एक बायनोमियल कोएफिशिएंट है जीसीडी है। पहले हम फैमिली से सीरीज का एक प्रोग्राम बन लेते हैं। फैमिली से सीरीज के अंदर मैंने दो हाइड्रोफाइल्स ले ली, स्टूडियो एंड फॉर्मियो, फिर मैंने इसको इनिशियलाइज किया है एंड फैब्रेसी, मैंने इसका नाम ही वो ले लिया है एंड फैब्रेसी, और इसको टर्म किया है, टर्म को भी मैंने क्या इंटीजर टाइप ले लिया है, जिसको इसके अंदर ही इनिशियलाइज करा हुआ आपके उसके बुक के अंदर। आपके नेक्स्ट है, मैंने मेन फंक्शन यूज किया है। मेन फंक्शन यूज करने के बाद यहाँ पे आपके इंटीजर टर्म और काउंटर दो तरह है। टर्म हमारे पास जहां तक हमें निकालनी है, और काउंटर हमारे पास जो एक लूप चलेगा वो वाली है। काउंटर को हम आई जी भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, टर्म को भी आप जो भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ टर्म किया है प्रिंट एफ और स्कैन एफ, एंटर द नंबर ऑफ कोएफिशिएंट सीरीज, कितना आपको टर्म, कितनी कहां तक आपको चलानी है, कितनी टर्म्स आपको चाहिए, जैसे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स टर्म्स आपको चाहिए तो आपको जैसे यहाँ पे निकाल देगा, यहाँ तक सेवन या एट, जितनी टर्म्स आपको चाहिए वहां पे एंड टर्म्स को लिख के दीजिए। फिर स्कैन एफ में आपको टर्म मिलेगा, फिर चेक करेगा वो इफ टर्म इज लेस देन टू, अगर ये टर्म दो ही है तो वो जीरो और वन ऑब्वियस होता है तो वो नहीं लेता है, तो वो आपको रिटर्न करता है टर्म से, जो टर्म होती है वही वापस रिटर्न कर देता है। फिर लिखा है रिटर्न फैबुलसी इक्वल्स टू टर्म माइनस वन प्लस फैबुलसी टर्म माइनस टू। इसका मतलब है जैसे अगर हमें सिक्स टर्म तक निकालना है तो कैसे निकालेंगे, सिक्स माइनस वन मतलब फाइव, फाइव प्लस प्लस पोजिशन है, फिर यहाँ पे क्या है टर्म माइनस वन पे क्या होगा सिक्स माइनस टू तो क्या होगा फोर, तो फोर्थ और फिफ्थ वाली पोजिशन को प्लस करके जो लास्ट वाली जो आएगी वहां तक वो निकाल के आपको रिटर्न करेगा, ठीक है। तो ये वाला जो कंडीशन है आपको वापस वापस कॉल करना है। इसमें प्रिंट है
आपको बस एक ऐसा करके आपको जितनी टर्म्स आपको चाहिए है उतनी टर्म आपको निकाल के देता है। इसमें टर्मिनेशन मतलब आपकी जो खत्म करने वाली कंडीशन वो ये होती है कि आपको कहाँ तक वो चाहिए, कौन सी टर्म तक चाहिए, नहीं तो ये आपका जो रिकर्जन प्रोग्राम है वो आपको इनफिनिट लूप तक चलता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आपका बायनोमियल कोएफिशिएंट। बायनोमियल कोएफिशिएंट मैथ्स स्टूडेंट्स मैथ्स के आपने बायनोमियल कोएफिशिएंट पढ़ा ही होगा फैक्टोरियल जैसा। ठीक है, जैसे हम फैक्टोरियल के बारे में बात करते हैं तो बायनोमियल कोएफिशिएंट बोलते हैं कि इसमें फैक्टोरियल निकालते हैं सी ऑफ एन आर एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई आर फैक्टोरियल। इस तरह से आपके एक प्रोग्राम होता है। इस प्रोग्राम के अंदर क्या होता है हमारे फैक्टोरियल जैसे मैंने n के लिए तो n है हमारे पास 5 है, r हमारे पास क्या है 2, तो इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 का फैक्टोरियल तो ये क्या आएगा यहाँ पर ऊपर 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तो ये क्या है यहाँ पर 3 तो 3 का फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 2 का फैक्टोरियल आएगा 2 इंटू 1 तो ये इससे क्रॉस हो जाएगा 2 1 सा 2 2 सा तो क्या आएगा हमारे पास 5 इंटू 2 तो इस तरह से क्या आएगा कैश। तो हम बस इस तरह से जो हमें मैथ्स में सॉल्व करते हैं इस प्रोग्राम में जिस तरह से सॉल्व करेंगे वो हम देखते हैं। जैसे मैंने इंक्लूड किया इंटीजर फैक्टोरियल ले लिया हमने पॉइंट में ले लिया पॉइंट में लेने के बाद मैंने तीन आपके इंटीजर लिए एन आर एफ मैंने प्रिंट करवाई हमारे पास वैल्यू को प्रिंट करना है एन और आर की वैल्यू को हमें सॉल्व करवाना है। एन में वैल्यू मैंने डाली है 5 और इसमें क्या डाला है 2 आर हमारे पास 2 है। अगर हम चेक करते हैं इफ एन लेस देन आर अगर हमारे पास एन छोटा है तो आर से तो ये क्या होता है हमारा इनवैलिड इनपुट होता है हमारा एन हमेशा बड़ा होना चाहिए। एज इफ अगर हमारे पास ऐसा है अगर इनवैलिड इनपुट नहीं है एन बड़ा है तो हमको वही मैंने उसमें फॉर्मूला लिखा है उसको अपने कंप्यूटर में कैसे लिखते हैं फैक्ट एन आपका ये डिवाइड वाला है स्लैश अपॉन वाला फैक्टोरियल एन माइनस आर मल्टीप्लाई में फैक्ट ऑफ आर ये फैक्ट आपको पहले से ही वो कंप्यूटर में डिफाइन होता है इसलिए आपको फैक्ट लिख सकते हैं। प्रिंट है बायनोमियल कोएफिशिएंट आपके बायनोमियल कोएफिशिएंट को प्रिंट करेगा इन फैक्टोरियल इन एक्स आपको फैक्टोरियल एक्स लेगा फिर चेक करेगा जब तक चेक करेगा जब तक कि आपका एक्स क्या होता है 1 से ग्रेटर होता है तब तक चेक करता है फिर रिटर्न करेगा आपका वैल्यू आपकी जिस वैल्यू के अंदर एक्स माइनस 1 तक रिटर्न करेगा और इस तरह से वो आपको बार बार रिकर्शन पे लेकर आता है। ये फैक्ट इन है ना वापस आपको खुद को कॉल करेगा वापस चेक करेगा फिर वापस चेक करेगा ये आपको उसको ही कॉल कर रहा है इसी कंप्यूटर को बार बार ये कॉल करता है कि इनफैक्ट यहाँ पे इसकी कॉलिंग हो रही है तो यहाँ पे कहाँ पर यहाँ से स्टार्ट। ठीक है, ये फंक्शन खुद को ही कॉल करता रहता है बार बार जब तक कि उसको इसका आउटपुट नहीं मिल जाता। ये आपके हो गया बायनोमियल कोएफिशिएंट है। नेक्स्ट हमारे पास है जीसीडी। जीसीडी अगर नॉर्मल जैसे हम मैथ्स में करते हैं प्रोग्राम में वैसा ही है कि आप एलसीएम करते हैं जैसे 12 लिया और आपने 30 लिया इसका दोनों का कॉमन फैक्टर निकाला जीसीडी के लिए तो क्या है 1 2 3 4 6 12। ठीक है, इसमें क्या है 1 2 3 6 5 15 13 एंड सो ऑन। ठीक है, आपके इसमें देखना है कि ग्रेटेस्ट कौन सा है तो दोनों का लेना है तो इसमें दोनों में क्या है एक तो ये सेम है ये सेम है ये सेम है और एक 6 वाला सेम है तो पर इसमें सबसे बड़ा कौन है वो चेक करेगा वो आपको 6 से ये प्रोग्राम से है तो प्रोग्राम देखना आपको मिल सकता है बोल सकते हैं। ठीक है, बुक में आपके प्रोग्राम है ये हमारी चैप्टर सेकेंड फिनिश हो गया है आप पढ़िए और इसके प्रोग्राम्स को रन करा के देखा आपको किसी का प्रोग्राम आपके पास है सी अवेलेबल है आपके पास है। थैंक यू।